के साथ अब बात कर लेते हैं हरदा की, जहां हरदा पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट मामले में मुआवजे की मांग को लेकर प्रभावित परिवार के लोगों और सर्व समाज ने शहर बंद का आयोजन किया है। आपको बता दें कि शहर में बंद का असर पूरी तरीके से दिख रहा है। सर्व समाज के लोग पिछले 4 दिनों से भूख हड़ताल पर भी है। भूख हड़ताल में शामिल 3 महिलाओं की तबीयत खराब होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। सर्व समाज ने मृतकों के परिजनों की 15 लाख और घायलों को 5 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने की मांग की है। तो हरदा से एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां सर्व समाज ने आज शहर बंद किया है। पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद 13 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके मुआवजे को लेकर अब यहां पर बंद का आह्वान किया गया है। और आपको ये भी बता दें, पटाखा फैक्ट्री से जुड़ा ये पूरा मामला मुआवजे को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे सर्व समाज के साथ जो लोग हैं, जो उस घटना में पीड़ित हुए थे, जो परिवार के लोग गए थे, उनके परिवार वाले अब मुआवजे की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, जिसको लेकर हरदा शहर को आज बंद रखा गया और पूरी तरीके से हड़ताल पर सभी लोग हैं। आपको बता दें कि घायलों को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिलाने की मांग की जा रही है।